हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने घर में होंगे, खुशहाल होंगे। हम भी फ्रेंड्स अच्छे से हैं, आपकी दुआओं से बहुत खुश हैं और आप लोग का साथ है। यहाँ तक आ गई हूँ मैं। प्लीज़ अपनी सिस्टर को सपोर्ट कीजिएगा और आगे तक ले जाइएगा, और जो भी सजेशन हो, देखिए मुझसे बड़े हो गए, जो भी सजेशन हो मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरे बेटे को भी दीजिएगा। तो मैं आपको अपना टेरेस गार्डन दिखाती हूँ। ये फोर्थ फ्लोर है मेरा और बहुत ऊंचाई लगती है यहाँ से नीचे। देखिए, हाँ सुनो, और गाइस यहाँ पे एक बहुत काली मधुमक्खी आ चुकी है जो कि अभी नीचे है बाजी क्या। और यहाँ पे पॉलिनेटर सारी, जैसे कि मधुमक्खियाँ आ रही नॉर्मल वाली, अब हम सोचते हैं यहाँ पे टमाटर वमाटर लगा देंगे ताकि फूलों को पॉलिनेट करें और फल लाल निकले। अभी अब मेरी मम्मी से सुनिए। और गाइस जब भी हम आते हैं तो मेरी फाख्ता उड़ जाती है, यहाँ बैठी थी, अब वो वहाँ से दूर से हमको देख रही है उस घर से बैठ करके। तो मेरा मन नहीं करता है कि हम आएँ यहाँ पर, लेकिन उनका दाना डालना होता है, पानी रखना होता है, और शाम को बहुत सारी छोटी छोटी सी बर्ड्स आती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ, लेकिन मैं नहीं दिखा पाती क्योंकि मुझे लगता है कि हम आएँगे कैमरा लेकर के अपना तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। हो सकता है मेरे दाने से उनका पेट भर जाए और शाम के टाइम खा करके फिर वो अपने घोंसले में चली जाएँ, बस ये सोच करके हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए, मेरा गार्डन देखिए पहले तो। और मुझे ये एलोवेरा चेंज करना है, इसका दिख रहा है आपको ये कितना ज़्यादा टेढ़ा हो चुका है, और कितना ज़्यादा टेढ़ा हो चुका है। लेकिन मैंने जो पिछली बार जो मेरा बहुत हेल्दी एलोवेरा था उसको चेंज किया तो वो बहुत मुरझा सा गया ना, तो उसको फिर मैंने फिर दोबारा रिपोर्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स मैं बस ये इस टाइम पे बहुत अच्छा हो चुका है, तो मेरा दिल करता है कि इसको रिपोर्ट करूँगी बड़े गमले में, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है बिल्कुल मतलब ख़राब हो जाए। मुझे बहुत प्यार है अपने एलोवेरा से, क्योंकि ये वाला जो एलोवेरा है ये बहुत बहुत अच्छा एलोवेरा है, खाने में बहुत ही मीठा होता है, आप इसको पी सकते हैं और ये औषधि गुणों से भरपूर होता है। बट फ्रेंड्स आपको पता है कि इंडिया में 100 प्रजातियाँ हैं एलोवेरा की, और 100 की 100 ही आपकी फ़ायदेमंद है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब अच्छा क्या लगेगा, सारी डिसीज़ में, स्किन में तो बहुत ही फ़ायदा करता है एलोवेरा। इसके अलावा आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है, वो बूस्ट कर देता है। अगर आप एक ग्लास एलोवेरा का जूस रोज़ाना डेली लेते हैं तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं, ये जो पेड़ पौधे होते हैं इंसुलिन की मात्रा भी इनमें बहुत होती है ऑक्सीजन के साथ साथ। हम लोग बोलते हैं ना कि हमें ऑक्सीजन मिलती है पेड़ पौधों से, हमें एवरीथिंग मिलती है, मतलब सब कुछ मिलता है हमें पौधों से। इंसुलिन भी प्रोवाइड कराते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अजवाइन का पौधा है, अब ये रियल अजवाइन नहीं है क्योंकि इसकी स्मेल बिल्कुल अजवाइन की तरीके आती है। और फ्रेंड्स इसकी पकौड़ी क्या हुआ, बरैया है और इसकी पकौड़ी बना करके फ्रेंड्स सब लोग खाते हैं तो बहुत टेस्टी होती है। मैंने आज तक इसकी पकौड़ी नहीं खाई है लेकिन सुना है। लेकिन हाँ, अगर आप 5 पत्ती इसकी नहार मुँह खाते हैं और उसके बाद नाश्ता करते हैं और 2 ग्लास पानी भी पीते हैं मॉर्निंग के टाइम पर, तो आपको डाइजेस्टिव में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, आपको कभी भी कब्ज की शिकायत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अपने घर में इस तरीके से पौधे लगाएं और अपनी मेडिसिन खुद तैयार करें। और आपको पता है मैं इतने सारे पौधे लगाती हूँ तो मुझे कभी कोई बाहर की खाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं सारी ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करती हूँ और मेरे पौधे बहुत अच्छे से फलते फूलते ही। देखिए 1 महीना हुआ है मेरे अमरूद के पेड़ को, इसमें खूब सारे फूल आए हैं और बहुत छोटा सा लाए थे, अब वो बड़ा भी हो गया। हाँ बहुत डर लगता है फ्रेंड्स, बस एक ही प्रॉब्लम रहती है कि पौधों की वजह से बरैया वगैरह आने लगती है, मधुमक्खियाँ हैं, मीठे मीठे फूलों का रस चूसने आती हैं तो बहुत डर लगने लगता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छा बहुत लगता है, धूप भी आती है सर्दियों में और गर्मियों में हवा भी बहुत अच्छी आती है तो, और इधर उधर का व्यू तो इतना अच्छा है, देखिए आपकी टेंशन तो छू हो जाएगी कि आप जब ऊपर, वैसे भी ऊपर से आने पर बहुत नीचे का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, जो लोग एकांत प्रिय हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ ये कानपुर का एक किदवई नगर है, यहाँ पर मैं रहती हूँ, और अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो बताएं अपनी सिस्टर से, कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे बताएं कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ तो मैं बताऊँगी। और अगर आप मेरे पौधों की जानकारी लेना चाहते हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि मैं कभी कभी अपनी हैप्पी की ही वीडियो डालती रहती हूँ। मुझे गार्डनिंग का भी बहुत शौक है, इसके अलावा मैं बहुत कुछ करती हूँ, और इसके अलावा मैं हर्बल लाइफ में भी हूँ, मतलब मैं हर्बल तरीके से लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको दूर करने की रिसर्च कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आज अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है,
अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपनी सिस्टर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका सपोर्ट तो है ही, तो आगे बढ़ने में आप लोग तो हैं ही, मेरी कामयाबी में सिर्फ़ और सिर्फ आप ही लोगों का हाथ है। आप लोग मेरी फैमिली के जैसे हैं, तो मैं एक वीडियो ज़रूर डालती, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन अपना जो है ऑन कर लीजिए, जब मेरी वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, और पेट्स पालिए, पौधे लगाइए, गार्डनिंग कीजिए, अपने डिप्रेशन को दूर भगाइए, नए नए फ्रेंड्स बनाइए और खुश रहिए। और फ्रेंड्स, 2024 आने वाला है, तो आपको जो भी गोल हो वो सेट कर लीजिए, और नेक्स्ट ईयर हम सबको अपने गोल को बिल्कुल बिल्कुल प्राप्त कर लेना है। ओके बाय, अपना ख्याल रखिएगा।